أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सताइश की किब्रियाई और बड़ाई तहमीद तमजीद और तस्बीह अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक लह खालिक़े कायनात मालिके अर्द व समा की निराय और ज़ेबा है। दरूद और सलाम नाज़िल हो इस दुनिया फ़ानी की तरफ भेजे गए तमाम अम्बिया और रसूल पर बिलअमूम और बिलखुसूस हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि। हज़रात गिरामी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये जो दीन हमें इनायत फरमाया है, ये दीन एक मुकम्मल ज़ाबते हयात है, एक मुकम्मल कानून ज़िंदगी है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को हमारे लिए एक कानून की तरह से बनाया, एक ज़ाबते की तरह से बनाया, तो ज़रूरी था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस दीन को आसान बना देता, क्योंकि अगर दीन आसान ना हो तो उस पर अमल करना मुश्किल होगा, और जिस चीज पर अमल करना मुश्किल हो वो हमारे लिए दीन नहीं हो सकता, वो हमारे लिए कानून की हैसियत इख्तियार नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के जरिए से इस्लाम का तारुफ कराया, इस्लाम के अहकाम को बताया। आप कुरान करीम की आयत उठा करके देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का आप मुताला करें, ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसान, सारी चीज़ें खोल खोल करके बयान कर दी गई हैं, चाहे वो अकीदे का मसला हो, अहकाम के मसाइल हो, या मसाइल हो जिनका हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ होता है। सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी चीज़ें कानून की हैसियत रखने वाली थी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वाज़ेह अंदाज में, समझ में आने वाले अंदाज में उनको बयान कर दिया, क्योंकि ये दीन है, इस पर हमें अमल करना है। और दीन के अहकाम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसान बनाया ताकि लोग आसानी से अमल कर सकें, वरना अगर मुश्किल होता ये दीन तो लोग धीरे धीरे करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस पास से, अतराफ से लोग झट करके निकल जाते। लेकिन तारीख इस बात पर शाहिद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जो भी शख्स एक बार आ गया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट करके नहीं गया। अबू सुफियान से जब हिराकल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा था, क्या वो नबी ऐसा है कि लोग उसकी इत्तिबा करने के बाद इर्तिदाद इख्तियार कर लेते हैं? अबू सुफियान ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो शख्स एक मर्तबा उस नबी के दीन पर आ जाता है वो कभी भी उस नबी के दीन को छोड़ने पर राजी नहीं होता, चाहे उसके साथ कैसे भी मुआमलात क्यों ना हो, क्योंकि ये दीन आसान है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस दीन के आसानी के बारे में कुरान करीम में कई जगह इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा जअल अलैकुम फी दीन मिन हरज, ऐ लोगों ये दीन ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए इस दीन के अंदर कोई तंगी नहीं रखी है, कोई मुश्किल नहीं रखी है, कोई परेशानी नहीं रखी है। ये आसान दीन है, ये समझ में आने वाला दीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह बकरा के आखिर में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा का पाबंद नहीं करता। ये दीन ऐसा है जो हर शख्स की ताकत के अंदर है, किसी की ताकत से बाहर नहीं। और ये आयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस वक्त नाज़िल फरमाई जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम को आजमाने के लिए एक मुश्किल हुक्म दिया था, एक ऐसा हुक्म दिया था जो उनके ऊपर शाक़ गुजरा या जिस पर अमल करना नामुमकिन था। उससे दो आयत पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम अव तुखफूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, ऐ लोगों, ऐ सहाबे किराम, तुम अपने नफ्स में किसी चीज को अगर छुपाओगे, यानी किसी गुनाह के बारे में इरादा करोगे या किसी गुनाह के बारे में लोगों के सामने जाहिर करोगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला दोनों सूरतों में तुम्हारी पकड़ करेगा। शुरू इस्लाम में ऐसा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म नाज़िल फरमाया, जो हम जाहिर करते हैं, जो गुनाह, उस पर तो हमारी पकड़ होती है, लेकिन जिस गुनाह के बारे में हमारे नफ्स के अंदर बात रहती है, हमारे दिल के अंदर बात रहती है, हम उसको करते नहीं हैं, हम उसको किसी के सामने जाहिर नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस पर पकड़ नहीं करता। लेकिन शुरू के दौर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा किराम को इस चीज से आजमाया, फरमाया व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुखफूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह, तुम जो चीज जाहिर करोगे गुनाह की अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर भी पकड़ करेगा, औ तुखफूहु जिस चीज को तुम पोशीदा रखोगे यानी छुपे तौर पर उसको करने की कोशिश करोगे या तुम अपने दिल के अंदर उसको छुपा करके रखोगे, युहासिबुकुम बिहिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर तुम्हारी पकड़ करेगा। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मुश्किल हुक्म दिया सहाबे किराम के ऊपर ये बात शाह गुजरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सहाबे किराम ने दुआ की और कहा कि रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, ऐ हमारे रब तो हमें ऐसी चीज का पाबंद मत बना जिसकी हमारे पास ताकत नहीं। हम हमारे नफ्स के अंदर ऐसे ऐसे वसवसे पैदा होते हैं, ऐसे ऐसे ख्यालात पैदा होते हैं कि उनको दूर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। अगर उन पर हमारी पकड़ होगी हम तो हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबे किराम की इस दुआ को कबूल किया, सहाबे किराम इस आजमाइश पर खरे उतरे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाज़िल फरमाई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा का पाबंद नहीं करता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया, से बुखारी से मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा वस्वसत बिही सुदूरुहा मा लम तअमल औ ततकल्लम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत से उन चीजों को माफ कर दिया है जो उसके दिलों में वसवसे के तौर पर पैदा हो। मा लम तअमल औ ततकल्लम, दो शर्तें हैं, जब तक कि वो उस पर अमल ना करे और जब तक कि वो उसके बारे में गुफ्तगू ना करे। गुनाह का ख्याल पैदा हुआ, गुनाह इंसान ने नहीं किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं पकड़ेगा, या उस गुनाह के बारे में किसी के सामने गुफ्तगू नहीं की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर नहीं पकड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। पता क्या चला? पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दीन इतना आसान बनाया है कि हर शख्स के लिए इस दीन पर अमल करना आसान है, किसी भी शख्स के लिए मशक्कत भरा नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई जगहों पर इसका ऐलान किया, अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल फरमाए, जो मसाइल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताए, उन मसाइल के बताने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की तरफ इशारा किया, वजाहत के साथ बयान किया कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। मिसाल के तौर पर पहले वजू का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया सूरह माइदा में, फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीयकुम इलल मराफ़िक़, ऐ ईमान वालों जब तुम नमाज के लिए इरादा करो, जब तुम नमाज पढ़ने जाओ तो अपने चेहरों को धो, अपने हाथों को धो, अपने पैरों को धो, अपने सर पर मसाह करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजू का पूरा तरीका बताया। फिर उसके बाद उसी आयत में आगे चल करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइद औ लमस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू, अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो या तुम में से कोई शख्स पेशाब या पाखाना करने के बाद पानी को ना पाए, फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो पाक मिट्टी को उठाओ, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, और उससे अपने चेहरों को और अपने हाथों को मसह कर लो। इस तरह से तुम्हारा तयम्मुम हो जाएगा और ये तयम्मुम वो काम करेगा जो वजू काम करता था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजू के हुक्म के नाजिल करने के बाद तयम्मुम की रुख्सत वाले हुक्म के बारे में तुम्हें क्यों बताया? क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दीन में तुम्हारे लिए मशक्कत और तंगी पैदा नहीं करना चाहता, तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला चीजों को आसान करना चाहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे दीन को आसान बनाया है, दीन के हर अमल पर, दीन के हर हुक्म पर अमल करना आसान है। उन्हीं अहकाम में से एक रोजा है जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मुकल्लफ बनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा हमारे ऊपर फर्ज किया और जब ये रोजा हमारे ऊपर फर्ज किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको भी आसान बनाया। ये रोजे, ये रमजान के रोजे, ये पूरे महीने के रोजे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन रोजों के अंदर ऐसी चीजें पैदा की, ऐसी चीजें बनाई, ऐसे अहकाम नाजिल फरमाए जो इस रोजे को आसान बनाती हैं, इस रमजानुल मुबारक के महीने को आसान बनाती हैं। और उसका ऐलान खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली आयत में किया। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमजान الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, ये रमजान का महीना है जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया। उस कुरान करीम को नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत की किताब है, जो लोगों के लिए दलाइल की किताब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, तुम में से जो शख्स भी इस माह मुबारक में मौजूद हो, हाजिर हो, जिंदा हो, फलयसुम तो चाहिए कि वो इस माह मुबारक के रोजे रखे। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतु मिन अय्यामिन उखर, और तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो चाहिए कि वो इन अय्याम की गिनती बाद में पूरी करे। फिर उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं करना चाहता, कोई मुश्किल हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देना चाहता। रमजान के रोजे आज हमने मुश्किल समझ रखे हैं, आज हमारे नौजवानों ने इन अय्याम के रोजों को मुश्किल समझ रखा है। गर्मी बहुत ज्यादा है, काम का प्रेशर है, काम का बोझ है, इन सारे बहानों को बना करके लोग रमजान मुबारक के रोजे छोड़ रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या हुक्म नाज़िल फरमा रहा है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं करना चाहता। अब सवाल ये पैदा होता है कि रमजान मुबारक के रोजे बज़ाहिर तो मुश्किल लगते हैं, एक महीने का रोजा रखना है, 29 दिन का रोजा रखना है, 30 दिन का रोजा रखना है, पूरे महीने दिन में खाने पीने से और दीगर कुछ अशिया से अपने आप को दूर रखना है, अपने आप को महफूज रखना है, फिर ये रमजान के रोजे आसान कैसे हो? कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ आसानी का इरादा कर रहा है? कैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता? आप कुरान करीम और अहादीस का अगर मुताला करें तो पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान के अंदर ऐसी ऐसी आसानियां रखी हैं कि जो आसानियां हमें मालूम ही नहीं। अगर उन आसानियों के बारे में हम जरा बराबर भी गौर करें तो हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जात से मोहब्बत होगी, हम अल्लाह ताला के करीब जाएंगे और रमजान के रोजों को रखने की कोशिश करेंगे और कभी भी हमारे दिल के अंदर, हमारे जहन के अंदर ये वसवसा, ये ख्याल पैदा ही नहीं होगा कि अल्लाह ताला ने कोई मुश्किल हमें हुक्म दिया है, किसी मुश्किल की तरफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने चलने को कहा है। आइए हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान मुबारक के पूरे महीने के रोजा रखने के बावजूद कैसे अल्लाह ताला ने इन रमजान के रोजों को हमारे लिए आसान बनाया। सबसे पहली चीज आप इस पर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल में 12 महीने बनाए और ये जो पूरा साल होता है, इस साल में अगर आप कमरी चांद के हिसाब से अगर आप देखें तो 360 दिन होते हैं, सूरज के एतबार से अगर आप देखें 365 दिन होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक को या रोजों को आसान इस तरह से बनाया कि अल्लाह ताला ने हमें 12 महीनों में से सिर्फ एक महीने का रोजा रखने का हुक्म दिया, सिर्फ एक महीने का। और ये 360 और ये 365 दिन जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बकिया सारे अय्याम को माइनस किया, सिर्फ 29 और 30 दिन के रोजा रखने का हुक्म दिया। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता और हमारे ऊपर 2 महीने के रोजे मुसल्लत कर देता, 2 महीने को रोजों का हुक्म दे देता, हम में से किसी शख्स के पास कोई ताकत होती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म की मुखालफत कर जाए या अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतराज कर जाए। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह जो करता है उसके बारे में अल्लाह से सवाल नहीं किया जा सकता, हम जो करते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके बारे में हमसे पूछेगा। अगर अल्लाह ताला 2 महीने के रोजों का हुक्म दे देता, 3 महीनों के रोजे का हुक्म दे देता या निस्फ आप देखो रेशियो, कहीं जो रेशियो है परसेंटेज है कहां बनता, 50% भी नहीं, 25% भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सिर्फ 1 महीने का रोजा रखने का हुक्म दिया। क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से आसानी नहीं? इसीलिए अल्लाह ने फरमाया जब रोजों की फर्जियत का हुक्म दिया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसके फौरन बाद फरमाया अय्यामुम मअदूदा, ये चंद अय्याम हैं, ये गिनती के चंद मुख्तसर अय्याम हैं, ये अय्याम ऐसे ही निकल जाएंगे, ये अय्याम ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आज हम देखें हमारी जिंदगी में कितने रोजे आए, कितने रमजान मुबारक आए और चले गए, जरा बराबर भी एहसास नहीं होता। एक रमजान खत्म होता है, दूसरा रमजान फिर सामने आ जाता है। अब इसी रमजान को आपने, ये रमजान शुरू हुआ, अभी लग रहा है कि कल रोजा शुरू हुआ है, लेकिन आज 8वां रोजा है, आज हम 8वां रोजा रख रहे हैं, ये पहला 10 खत्म होने के करीब है। दूसरा अशरा आएगा वो भी खत्म होगा, और तीसरा अशरा तो मालूम भी नहीं होता कि कितनी जल्दी खत्म हो जाता है और कितनी जल्दी ईद आ जाती है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल व करम है और उसकी जानिब से ये आसानी है कि अल्लाह ताला ने 12 महीनों में से सिर्फ एक महीने के रोजे फर्ज किए, 365 अय्याम में से सिर्फ 29 और 30 दिन के रोजे फर्ज किए, उससे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर रोजा फर्ज नहीं किया। इसी तरह से आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजों को आसान कैसे बनाया। शुरू में आप देखें जब रोजे का हुक्म नाजिल हुआ था, जब सहाबे कराम ने रोजा रखना शुरू किया था, उस वक्त रोजे की तरतीब अलग थी, उस वक्त रोजे के मसाइल अलग थे, उस वक्त रोजे के अहकाम अलग थे। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए कुछ अलग अहकाम दिए। शुरू इस्लाम में जब रोजे की फर्दियत का हुक्म नाजिल हुआ था तो रोजा मालूम है आपको कब से कब तक रखा जाता था। ईशा के बाद से रोजा शुरू होता था और मगरिब तक रखा जाता था, यानी रमजानुल मुबारक के अय्याम में सिर्फ मगरिब से लेकर के ईशा के दरमियान खाने पीने का वक्त मिलता था, और ईशा के बाद जैसे ही ईशा की नमाज हुई उसके बाद खाना पीना बंद। अब रात भर भी इंसान कुछ भी नहीं खा सकता, सहरी वगैरह भी नहीं थी शुरू इस्लाम में, फिर पूरे दिन उसको रोजा रखना है। और उस वक्त की जिंदगी भी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल भरी जिंदगी थी, कोई एसी नहीं थे, कोई फैन नहीं थे, कोई कूलर नहीं थे, और वहां पर ऑफिस में बैठ करके काम करना भी नहीं था कि एसी में बैठ करके काम कर रहे। वो सहाबे किराम अंसार थे, मुहाजिरीन थे, मुहाजिरीन तिजारत में लगे रहते थे, जो अंसार थे वो खेती बाड़ी में लगे रहते थे, पूरे दिन मेहनत और मशक्कत का काम करते थे, और उसके बावजूद भी उनको एक घूंट पानी भी नसीब नहीं होता था। कब नसीब होता था? मगरिब के बाद, और ड्यूरेशन भी, मुद्दत भी बहुत कम। मगरिब से ईशा कितना टाइम होता है? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उससे ज्यादा क्या टाइम होगा? उस वक्त आपने खाया तो खाया, नहीं खाया तो फिर ईशा के बाद आप कुछ भी नहीं खा सकते। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि कान الناس على عهد النبي सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग इदा सामू, जब रोजा रखते थे, इदा सल्लमुल अतमता, और जब वो ईशा की नमाज पढ़ लेते थे, हरम अलैहिम अत्ताम वश्शराब वन्निसाउ, तो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद उनके लिए खाना हराम हो जाता था, पीना हराम हो जाता था, और औरतों के करीब जाना भी हराम हो जाता था। और इस तरह से वो अगली रात के आने तक रोजा रखते थे, मगरिब तक फिर रोजा रखते थे। ये बहुत मुश्किल हुक्म था। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, कहते हैं कि शुरू में जब ये हुक्म था तो एक सहाबी जिनका नाम था सिरमा इब्न कैस अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सिरमा बिन कैस अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन सहाबे किराम में से थे जो खेती बाड़ी का काम किया करते थे, मेहनत और मशक्कत का काम किया करते थे। ये हुक्म था, सिरमा बिन कैस अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात में तकरीबन मगरिब के बाद अपने घर में आए, नमाज पढ़ने के बाद अपने घर में आए, थक हार करके आए थे, मेहनत मशक्कत करके आए थे। अपनी अहलिया से कहा, अपनी बीवी से कहा, अइंदकी तआम, उनके आपके पास कुछ खाने पीने की चीज है? आपकी अहलिया ने कहा, लैस इंदना तआम, हमारे पास कुछ भी खाने पीने का नहीं है। लेकिन आप रुकें, आप आराम करें, आप बैठे, मैं बाहर जाती हूँ और किसी पड़ोस में जा करके किसी के घर में पूछती हूँ, अगर उनके घर में कुछ खाने पीने का सामान है तो मैं ले करके आती हूँ और आपको खाने पीने का सामान दूंगी। सिर्मा इब्न कैस अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे थे और थक हार करके आए थे, पूरे दिन आपने मेहनत की थी, आप लेट गए। आप लेट गए, लेटते ही आपको नींद आ गई, और नींद आने के बाद वक्त हो गया और उनकी अहलिया ईशा के करीब वो पहुंची घर के अंदर। जब घर के अंदर पहुंची तो देखा कि सिरमा इब्न कैस अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सो रहे, और जैसे ही उन्होंने देखा उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा, खैबतल्ला, और अफसोस की बात है, आपने पूरे दिन मेहनत की, आपने इफ्तार भी किया, लेकिन इफ्तार में क्या खाया होगा? चंद घूंट पानी उन्होंने पिए होंगे, खाने पीने की चीज नहीं मिली होगी। अब जब खाने की बारी थी, कुछ मिला भी था खाने का, तो अब आप सो गए और ईशा का वक्त हो गया, अब आप खाना नहीं खा सकते। उनके लिए इतना मुश्किल हुआ, उन्होंने अगले दिन का रोजा रखा, इतना मुश्किल हुआ कि अभी दिन चढ़ा भी नहीं था कि उनके ऊपर बशीत आ गई। अगले दिन वो बेहोश हो गए, रोजा नहीं रख सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मामले को आसान किया, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाज़िल फरमाई, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, कि ऐ लोगों, तुम खाते पीते रहो, कब तक खाते पीते रहो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, जब तक कि फज्र के वक्त काला धागा सफेद धागे से बिल्कुल वाज़े नजर ना आ जाए। और धागे से मुराद यहाँ पर सुबह सादिक का तुलू होना, जो आसमान में जो रोशनी फैलती है, जो सुबह सादिक यानी जिस वक्त हमारे यहाँ अजानें होती है, उस वक्त तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुलू वशरबू, खाते पीते रहो। पहले ही हुक्म था, आज अगर हमारे यहाँ ये हुक्म होता तो हम में से अक्सरों बेशतर लोग रोजा ना रखते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की जात ने कितना आसान हमारे लिए किया कि मगरिब के वक्त हमें इफ्तार करना है, और मगरिब से जो हमारे खाने की इब्तिदा होती है तो फज्र तक हमारे खाने की मुद्दत चलती रहती। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रहम व करम है। इसी तरह से आप देखें अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों को आसान कैसे बनाया कि शुरू के दौर में, इसी दौर में जैसा कि अहादीस मैंने पेश की, उस वक्त औरतों के करीब जाना भी ममनू था, यानी अगर कोई शख्स औरतों के करीब जाता तो वो मगरिब से ईशा के दरमियान जा सकता था, ईशा के बाद औरतों के करीब जाना भी ममनू था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हुक्म को भी मंसूख किया और ये आयत नाज़िल फरमाई, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़तु इला निसाइकुम, कि ऐ लोगों तुम्हारे लिए रमजान की रातों में, रोजों की रातों में अपने औरतों के करीब जाने को हलाल कर दिया गया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। वक़द अलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तालून अनफुसकुम फताब अलैकुम, अल्लाह ताला को पता है कि तुम अपने नफ्सों की खयानत करने लगे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल की। फलआन बाशिरूहुन्ना वबतगू मा कतबल्लाहु लकुम, अब तुम औरतों के करीब जा सकते हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए जो मुकद्दर किया है, जो लिख दिया है, उसको तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तलाश कर सकते हो। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खयानत का जिक्र किया। ये खयानत क्या हुई थी? कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मगरिब के बाद गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और ईशा तक रह गए, और ईशा के बाद भी देर रात तक उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर में वापस लौटे तो उनकी जो ज़ौजा थी, उनकी जो अहलिया थी, वो सो रही थी। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी अहलिया से वो ख्वाहिश हुई जो मर्द को एक औरत से ख्वाहिश होती है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी औरत को जगाया। उनकी अहलिया ने कहा कि देखो, मैं अब सो चुकी हूँ, अब मैं सो गई थी और ईशा का वक्त भी हो चुका है, तो लिहाजा अब आपके लिए मेरे करीब आना दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम करार दिया क्योंकि ईशा के बाद से रोजा शुरू होता है। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, अभी तुम सोई नहीं और अभी ईशा का वक्त यानी मुकम्मल खत्म होने में बाकी है। कुछ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने हीला इख्तियार किया और फिर वो अपने औरत के करीब चले गए। और इसी तरह का वाकया सेम कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भी हुआ। इन वाकयात के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इस उम्मत पर आसानी फरमाई और कहा उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़तु इला निसाइकुम, कि अब तुम्हारे लिए रमजान की रातों में औरतों के करीब जाना तुम्हारे लिए आसान कर दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है कि तुम्हारे यहाँ हाजत है, तुम्हें जरूरत है, तुम इतना लंबा रोजा नहीं रख सकते, इतनी लंबी मुद्दत तक भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए आसान किया। अब बताएं कि आज के रमजान के रोजे हमारे लिए आसान है या मुश्किल? अगर ये हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला जारी कर देता, कोई था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पकड़ सकता? कोई था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर एतराज कर सकता? किसी भी शख्स को अल्लाह पर एतराज करने का कोई मजाल ही नहीं था, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल व करम है, उसका रहम है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमजान के रोजों को आसान किया। इसी तरह से आप देखें कैसे अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे आसान किए। अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों का हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद हमें मालूम है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको उज़्र होता है, जो रोजा नहीं रख सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अलग कर दिया। ऐसा नहीं कहा कि आपको रोजा रखना ही रखना है, चाहे जैसे नमाज के बारे में आप देखो, नमाज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है कि आप जिस हालत में भी हो आपको नमाज पढ़नी। सल्ले क़ाइमन, खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हो, खड़े होकर पढ़ो। फ़इन लम तस्तति' फ़क़ाइदन, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ो। फ़इन लम तस्तति' फ़अला जनबिन, अगर तुम बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ सकते हो, पहलू के बल पढ़ सकते हो, पहलू के बल पढ़ो। नमाज माफ नहीं की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजों को माफ कर दिया। आप रोजा नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, आप रोजा ना रखें। अब इन रोजा ना रखने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो हिस्सों में तकसीम किया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है, रुख्सत है, और वो बाद में भी रोजे की कदा नहीं करेंगे, बस मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, फिदिया देंगे और वो आजाद हो जाए। मिसाल के तौर पर वो बूढ़े और वो बूढ़िया जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखते, या ऐसा बीमार शख्स जिसको अपनी बीमारी से शफायाबी की उम्मीद नहीं है, ऐसी बीमारी उसको लाहिक हो गई कि अब वो इस बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सकता और वो बीमारी उसकी जल्दी खत्म भी नहीं हो सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे लोगों के ऊपर से रोजा माफ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन, जिन लोगों के ऊपर रोजा मुश्किल है उन लोगों को क्या चाहिए कि वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी गर्दन को और उनके रकबे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज से आजाद कर दिया। यहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी उज्र की बिना पर रोजा छोड़ने की रुख्सत दी, कहा कि बाद में तुम रोजा रखो। जैसा कि मैंने आयत में पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो चाहिए कि वो दूसरे अय्याम में गिनती पूरी करे। और ये दूसरे अय्याम में गिनती पूरी करना किसके लिए? मरीज के लिए, जो बीमार हो, अभी बीमारी लाहिक हो गई लेकिन उससे शिफायाबी की उम्मीद है। आप रोजा छोड़ दीजिए, बाद में आप इन रोजों की कदा कर दीजिए। आप सफर में हैं, सफर में रोजा रखना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आप रोजा छोड़ दीजिए, कोई पकड़ नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से कोई अदाब नहीं। आप सफर में हैं, रोजा छोड़ दीजिए, बाद में आप उन रोजों की कदा कर दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे लोगों को माफ किया। इसी तरह से हाइजा औरत है, निफास वाली औरत है, हैज की हालत में, निफास की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप रोजा छोड़ दें, बाद में इन अय्याम की कज़ा करें, बाद में इन रोजों की कज़ा करें। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से आसानी है, ये तयसीर है, ये अल्लाह का फजल और करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से रोजा छोड़ने की भी इजाजत। और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने रोजा छोड़ने के बाद रोजों की कदा करने का हुक्म दिया, उनको भी रोजे की कदा का हुक्म फौरन नहीं दिया, बल्कि पूरा साल आपके पास पड़ा है, आप पूरे साल में कभी भी आप रोजा रख सकते हैं। और फिर पूरे साल में अगर आप रोजों की कदा कर रहे हैं तो शरीयत ने ये भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं लगाई कि मुसलसल आपको रोजे रखने। मिसाल के तौर पर अगर किसी के 10 रोजे छूटे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मुसलसल 10 रोजे रखे, बल्कि वो एक रोजा आज रख लिया, फिर एक महीना आराम किया, फिर एक महीने के बाद फिर एक रोजा रख लिया, बस 10 की गिनती पूरी कर ली। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से आसानियां हैं। अगर ये आसानियां ना होती तो कितना मुश्किल भरा ये रमजान होता, या मुश्किल वाले ये रोजे होते, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए इन रोजों को आसान बनाया, रमजान मुबारक को आसान बनाया। इसी तरह से आप देखें रमजान मुबारक के रोजों को अल्लाह ताला ने इस तरह से आसान बनाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फजर से रोजे को शुरू किया कि फजर से आप रोजा शुरू करो, मगरिब तक रोजा रहो। फजर से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अपने बंदों को यह हुक्म दिलवाया कि तुम सेहरी करो, और सेहरी को मुस्तहब भी करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरू फइन्न फिस्सुह तसहरू फइन्न फिस्सुहूर बरका, कि ऐ लोगों सेहरी किया करो क्योंकि सेहरी में बरकत है। सेहरी पर उभारा गया, वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन उभारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेहरी मत छोड़ो। और बाद रिवायात में है बिअन्नल यहूद ला यतसहरून, यहूद सेहरी नहीं करते इसलिए तुम सेहरी किया करो। यानी आपको खाने पर उभारा जा रहा है ताकि आपके लिए रोजा मुश्किल ना हो। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहरी को मना कर दिया, सेहरी का हुक्म दिया, उस पर उभारा, ताकीद के साथ यह हुक्म दिया कि आपको सेहरी करनी, और सेहरी के वक्त खजूर इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नि'मा सहूरुल मु'मिन अत-तम्र, कितनी बेहतरीन सेहरी मोमिन की खजूर की होती। मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन सेहरी खजूर की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर खाने का हुक्म दिया। आज आप अतिब्बा से जाकर के पूछे, डॉक्टरों से जाकर के पूछे, वो सेहरी के वक्त खजूर खाने के फवायद जिक्र करते हैं कि अगर लोग खजूर खाते हैं 3, 5, 7 की तादाद में तो उनके लिए रोजा रखना बड़ा आसान हो जाता है। भूख का एहसास कम से कम होता है अगर लोग खजूर खाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म हमें दिया कि खजूर का इस्तेमाल करो ताकि आप रोजा रख रहे हो, आपके लिए रोजा मुश्किल ना हो। सहरी का हुक्म दिया और ताकीदी हुक्म दिया। इसी तरह से आप आगे बढ़िए। आप रमजान मुबारक के अंदर जब रोजे रख रहे हैं, रोजे के अंदर अगर कोई शख्स भूल चूक से किसी चीज को खा लिया, किसी शख्स ने कुछ पी लिया भूल चूक से, गलती से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको भी माफ किया, उस पर भी पकड़ नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा नसिया फअकला वशरिबा व हुवा साइमुन फलयुतिम सौमहु। अगर तुम में से कोई शख्स भूल जाए और भूल करके कुछ खा ले कुछ पी ले इस हाल में कि वो रोजे से हो फलयुतिम सौमहु तो चाहिए कि वो अपने रोजे को मुकम्मल करे फइन्नमा अतअमहु अल्लाह व सका क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको खिलाया है और अल्लाह ताला ने उसको पिलाया है। ऐसा नहीं कि आपका रोजा फासिद हो गया। यानी आपने अगर भूल करके पूरा गिलास पानी पी लिया तो आपकी प्यास की शिद्दत भी खत्म हो गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर आपके लिए अज्र भी लिख दिया। मुसरफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की एक रिवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आया। जब आपने ये हदीस बयान की एक शख्स आया उसने कहा कि मैंने रोजा रखा और मैं अपने एक दोस्त के पास गया। जब दोस्त के पास गया दोस्त ने कुछ खाना हाजिर किया, शायद वो नफली रोजे के बारे में बात कर रहा था। दोस्त ने खाना हाजिर किया, मैंने उसके पास खाना खाया और पानी भी पिया, मुझे याद ही नहीं था कि मैं रोजे से। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाया तुम्हारा रोजा हो गया, अल्लाह ताला ने तुम्हें खिलाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें पिलाया। उस शख्स ने कहा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि बात अभी खत्म नहीं हुई। एक दूसरे शख्स के पास भी गया, एक दूसरे दोस्त के पास भी गया मैं सेम डे उसी दिन, और उसके पास मैं पहुंचा वहां पर भी मैं जाके भूल गया। खाना हाजिर हुआ, पानी हाजिर हुआ और मैंने खाना भी खाया और पानी भी पी लिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने कहा कि अगर तुमसे भूल की वजह से ये काम हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें खिलाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें पिलाया, अल्लाह ताला तुम्हारी इस पर फख्र नहीं करेगा। उसने कहा कि बात अभी भी मुकम्मल नहीं हो। एक और जगह में गया, एक और दोस्त के पास गया, उसने भी खाना हाजिर किया, उसने भी पानी हाजिर किया, मैं वहां भी भूल गया और मैंने खाना भी खाया और पानी भी पिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तुम ऐसे आदमी हो कि अभी तुम्हें रोजा रखने की आदत ही नहीं पड़ी। आदमी एक बार भूलता है, तीन बार कौन भूलता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तुम्हें रोजे की आदत डालनी है, लेकिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा रोजा फासिल हो गया। पता क्या चला कि अगर इंसान भूल चूक की वजह से 30 बार भी खा ले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पकड़ नहीं करता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइन्नमा अतअमहु अल्लाहु व सक़ा, क्योंकि अल्लाह ताला उसको खिलाता है, अल्लाह ताला उसको पिलाता है। खिला करके पिला करके अल्लाह सुब्हानहु व तआला रोजे का अज्र दे रहा है। ये रोजा आसान है या ये रोजा मुश्किल है? इसी तरह से एक और चीज आप देखिए रमजान मुबारक के रोजे कैसे आसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इफ्तार करने का हुक्म दिया और इफ्तार करने के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा कि एहतियात नहीं करो, ताखीर मत करो, जैसे वक्त हो जाए वैसे इफ्तार करो। देखो आप सहरी में सहरी की ताकीद की कि सहरी करो, और सहरी के बारे में ये भी है कि जितनी लेट से ताखीर से सहरी करोगे उतनी ज्यादा अच्छी, और इफ्तार के बारे में जितनी जल्द इफ्तार करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, लोग उस वक्त तक खैर में रहेंगे, भलाई में रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। इफ्तार में जल्दी करने का माना ही नहीं कि वक्त से पहले, वक्त हो जाए, सूरज डूब गया, सूरज डूबने का टाइम हो गया, आप फौरन इफ्तार करो। वहां पर कोई एहतियात नहीं, शरीयत का हुक्म है। शरीयत आपको फौरन खाने का हुक्म दे रही है, शरीयत फौरन इफ्तार करने का हुक्म दे रही, और आप जल्दी इफ्तार करो तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको खैर में रखेगा, बेहतरी में रखेगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। क्या पता चला कि रोजे आसान है, वरना ये कहा जाता कि भाई तुमने रोजे रखे ना पूरे दिन 12 घंटे बर्दाश्त किया, थोड़ा आधा घंटा और बर्दाश्त करो। ठीक है सूरज डूब गया लेकिन पता नहीं डूबा नहीं डूबा, आधा घंटा और बर्दाश्त करो। जब बिल्कुल तारीकी हो जाएगी, अंधेरा छा जाएगा, तब जाकर के तुम इफ्तार करो। ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा कि सूरज डूब गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज इधर से डूब जाए तो तुम्हारे लिए इफ्तार का टाइम हो गया, फक़द अफ़्तर अस-साइम, उसी वक्त तुम रोजे का इफ्तार कर लो, और उसको मुस्तहब करार दिया गया। सहरी को ताखीर से करना और इफ्तार को जल्दी करना ये नबूवत के अखलाक में से। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ने अपनी अल-मुअजमुल कबीर के अंदर एक रिवायत बयान फरमाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासु मिन अखलाक़ि अन-नबुव्वह, तीन चीजें नबूवत के अखलाक में से, नबूवत के आदात में से, यानी नबियों की आदत रही है। क्या क्या? तखीर उस-सुहूर, सहरी लेट करना, ताखीर से करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी कैसे होती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करते थे और उसके बाद नमाज के लिए जाते थे, और उसके दरमियान यानी आपकी नमाज के दरमियान और सहरी के दरमियान कदरू 50 आया, सिर्फ 50 आयतें पढ़ने का फासला रहता था। अब 50 आयतें क्या हो, 15 मिनट में इंसान 15 मिनट बहुत ज्यादा मैंने बोला, 50 आयतें वो पढ़ लेती, बस इतना वक्फा होता था। आप सहरी खत्म करते थे और उधर आप नमाज के लिए चले जाते, बिल्कुल लास्ट टाइम पे सहरी किया करते। तो तीन चीजें नबूवत के अखलाक में से तअखीर उस-सुहूर, सहरी ताखीर से करना, व ताजील उल-इफ्तार, इफ्तार जल्दी करना, और वक़अतुल यमीन अला शिमाल फी सलात, नमाज पढ़ते हुए दाहिने हाथ को बाएं हाथ पे रखना, ये नबूवत के अखलाक में से। अबू अतिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, कहते हैं कि मैं आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास आया और मैंने पूछा आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबा हैं, एक अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं और दूसरे अबू मूसा अशअरी। इनमें से एक सहाबी इफ्तार जल्दी करते हैं और सहरी ताखिर से करते हैं, और दूसरे जो सहाबी हैं वो थोड़ी सहरी भी जल्दी कर लिया करते हैं और इफ्तार में थोड़ी सी ताखिर करते हैं। दोनों में से बेहतर कौन है? दोनों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कौन है? आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि उन दोनों में से कौन ये काम करता है कि सहरी ताखिर से करे और इफ्तार जल्दी करे। तो अबू अतिया रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु, वो अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु है। आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, हकदा काना यसनअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते थे, सहरी ताखिर से करते थे, इफ्तार जल्दी किया करते थे। पता ये चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमजान के रोजों को आसान हमारे लिए इस तरह से भी बनाया कि सहरी ताखिर से करने का हुक्म दिया और इफ्तार जल्दी करने का हुक्म दिया, और इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोजों को इतना आसान बनाया कि इंसान आराम से पूरे महीने के रोजे रख सकता है। लिहाजा हमें चाहिए कि रमजानुल मुबारक में और रोजों के अंदर अल्लाह ताला ने जो आसानियां हमारे लिए रखी हैं उन आसानियों का एहसास किया जाए, उन आसानियों को समझा जाए, और इस रमजान मुबारक के महीने को मशक्कत वाला महीना ना समझा जाए, इसको मुश्किल भरा महीना ना समझा जाए। ये ना समझा जाए कि रमजान के रोजे रखना हमारे लिए मुश्किल है, ये रमजान के रोजे नहीं होंगे, ये धूप, ये गर्मी, ये आती जाती चीजें रहेंगी, और ये ठंडी और ये इस तरह के बरसात के मौसम, ये आते जाते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ आपका अज्र बाकी रह जाए। और इन सारी आसानियों के सुनने के बाद अगर अभी भी आपको लग रहा है कि रमजान के रोजे मुश्किल हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रमजान के रोजे मुश्किल भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि अगर मुश्किल भी लग रहा है इतनी आसानियों के बावजूद, तो हमें रमजान के रोजे रख लेने चाहिए, हालांकि वो मुश्किल नहीं है। और ये एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि रमजान के रोजे कितने भी मुश्किल हों, कितने भी थकाने वाले हों, ये जो थकान है, ये जो मुश्किलात है, ये मुश्किलात दुनिया के अंदर रह जाएंगी, ये मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। पिछले रमजान में आपने जो रोजे रखे थे, किस रोजे में आपको क्या तकलीफ आई थी, आपको याद है? नहीं, आपको क्या मुश्किल पेश आई थी, कितनी प्यास लगी थी आपको, कितनी शिद्दत से, किस रोजे को लगी थी, आपको याद है? नहीं याद। इसी तरह से आज भी अगर आपने रोजा रखा, आज के दिन अगर कोई तकलीफ आती है, ये तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ आपकी ये मेहनत बाकी रह जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आप अज्र को साबित कर लेंगे। दुआ पढ़ते हैं हम, ज़हबल क़मअ वबतल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्र, इंशाअल्लाह। प्यास आई थी, चली गई, एक गिलास पानी पिए, खत्म, पूरे 12 घंटे की प्यास खत्म। ज़हबल क़मअ वबतल्लतिल उरूक़, रगे तर हो गई, खुश्क हो रही थी रगे, लेकिन पानी पिया हमने, इब्तल्लतिल उरूक़, रगे तर हो गई। वसबतल अज्र, इंशाअल्लाह। क्या है? इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमारा अज्र साबित हो गया, अल्लाह ताला के यहाँ लिखा जा चुका कि आपने ये मेहनत की। लिहाजा मैं नौजवानों से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा कि इस खुतबे पर गौर करें, जो बातें बताई गई हैं रमजान मुबारक के रोजों के आसानियों के ताल्लुक से, उस पर गौर करें, और खुदा एक भी रोजा आप ना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोजे को फर्द किया है, ये वाजिबात में से है। अगर ये मुश्किल भी होता तब भी हमारे लिए रखना जरूरी था, लेकिन जब अल्लाह ने आसान बना दिया अब तो रखना ही है, उसके बगैर कोई चारा नहीं। और जो लोग रोजा नहीं रखते वो मुसलमानों में से भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद है कि लोग रोजा रखें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, हज करें, और कर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं तो हम सबको दीन इस्लाम को सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमा। दीन इस्लाम की जो आसानी है उस आसानी को हमारे जहन और दिमाग में बैठाने की तौफीक अता फरमा। अहकाम से मोहब्बत करने, अमाल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, फराइज और वाजिबात को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा। तो हम सब के रोज़ों को कबूल फरमा, बकिया जो रोज़े हैं सेहत और आफियत के साथ उन रोज़ों को रखने की तौफीक अता फरमा। जो भी इबादत रोज़ा तरावी की शक्ल में हम कर रहे हैं उन तमाम इबादत के अंदर इखलास पैदा फरमा, उन तमाम इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आलमीन, तो इस रमज़ान मुबारक में हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, सगीरा कबीरा हर तरह के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा करके हम सब के लिए जन्नतुल फिरदौस के मुतअय्यन फरमा। इलाह आलमीन तो हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा। इलाह आलमीन जो लोग बीमार हैं उनको शिफायाबी अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी में उनकी मदद फरमा, जो माशी तौर पर परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हम सबको इस्लाम और ईमान पर जिंदा फरमा और हमारा खातिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।